नमस्कार, सुप्रभात। आज है 21 सितंबर 2022 और आज से संबंधित कौन-कौन से इम्पोर्टेंट करंट इवेंट से संबंधित जो है प्रश्न बने हैं, तो उनको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप सुबह 6 बजे उठकर जो है इस क्लास को जरूर डेली अटेंड करते रहें, ताकि आपके आने वाली आगे की जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो सके। ये आपके इंडिया लेवल के कोई भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए ये जो MCQ होते हैं डेली आपके लिए करंट होते हैं, वो आपके लिए हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश के साथ, गणेश जी के दर्शन के साथ जो है आज की क्लास को शुरुआत कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमेशा की तरह आज हम जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको जानेंगे, उसके बाद इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किए हैं। इंस्पायर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। इंस्पायर जो पुरस्कार है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। अगला देखिए, डॉक्टर स्वाति पीरामल को व्यापार और उद्योग विज्ञान विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए सेवेले डेला लीजियन डी होनर, यानी नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है। अगला है डॉक्टर स्वाति पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है, जो फार्मास्यूटिकल, वित्तीय सेवाओं, रियल इस्टेट और ग्लास पैकेजिंग में फैली एक व्यावसायिक समूह मानी जाती हैं। फ्रांस की यूरोप और विदेशी मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना ने डॉक्टर स्वाति पीरामल को यह पुरस्कार दिया। तो डॉक्टर स्वाति पीरामल को यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो विदेशी मामलों की मंत्री है कैथरीन कोलोना, उनके द्वारा दिया गया है। अगला देखिए, CSIR की विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। CSIR की जो विज्ञान पत्रिका है विज्ञान प्रगति, उसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या पुरस्कार दिया गया है। 14 और 15 सितंबर 2022 के दौरान आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में CSIR की विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत के अंदर किया गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम जो है आपका, इंडोर स्टेडियम कहां पर है? सूरत के अंदर है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुरस्कार विज्ञान प्रगति को किसको दिया गया है भाई? ठीक है, विज्ञान प्रगति को कौन सा पुरस्कार दिया गया? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। अगला देखिए, बजरंग पूनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया के द्वारा उन्होंने प्यूट्रो रिको के सेबेस्टियन सी रेवेरा को हराया है। ठीक है, प्यूट्रो रिको के सेबेस्टियन सी रेवेरा को हराया है। चैंपियनशिप में पूनिया ने यह चौथा पदक, चैंपियनशिप में जो है पूनिया को यह चौथा पदक है बजरंग पूनिया का। उन्होंने 2013 में कांस्य के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। अगला देखिए, भारत श्रीलंका के लिए सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में चीन से आगे निकल गया है। भारत जो है श्रीलंका के लिए सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में चीन से आगे निकल गया है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। 2017 से 2021 से पिछले 5 वर्षों में श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता चीन रहा है, लेकिन अब जो है वो भारत बन गया है, याद रखिएगा। अगला, बाल ई अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के समय पर निवारण के लिए ई बाल निदान पोर्टल को नया रूप दिया गया है। कौन सा है भाई? बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के समय पर निवारण हेतु जो ई बाल निदान पोर्टल है उसको नया रूप दिया गया है। बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के समय पर समाधान के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान को नया रूप दिया है। पोर्टल निवारण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाएगा और मामलों के समय पर निपटान के लिए मदद करेगा। पोर्टल में NCPCR में पंजीकृत शिकायतों को संबंधित राज्य आयोग को स्थानांतरित करने की सुविधा भी होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश
घोषित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी को प्रमाण पत्र सौंपा है। अंडमान और निकोबार द्वीप के सभी गांवों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया है और खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस के रूप में भी सत्यापित किया गया है। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। अब आपके सामने जो है मैं इससे संबंधित MCQs को रख रहा हूं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो एक बार मेरा सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी जल्दी से लाइक कर दीजिए और जय माता दी का जयकार लगा दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंस्पायर पुरस्कार के बारे में सही बताता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 100 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए यहाँ पर आपका कोड कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक 10 सेकंड का समय रहेगा, तो उसका ध्यान रखते हुए आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए इसको हमने सबसे पहले आज की इस वीडियो की शुरुआत के अंदर पढ़ा था, इंस्पायर अवार्ड से संबंधित कौन कौन से कथन जो है थे इसके बारे में बताए गए थे। तो सबसे पहला ये जो था, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित है, ये एकदम सही है आपका। अगला है डॉक्टर जितेंद्र, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 100 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार दिया है, तो यहाँ पर 100 नहीं बल्कि 60 को दिया है, तो दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही होता है भाई। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सितंबर 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनर, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ होनर किसे प्राप्त हुआ है। डॉक्टर स्वाति पीरामल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी या आदार पूनावाला। बहुत ही अच्छी कोशिश, आप सुबह जो भी डेली जुड़ रहे हैं तो क्लास को डेली देखता रहे। तो अगला देखिए भाई, 2022 सितंबर में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन होनोर, नाइट ऑफ द लीजियन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर होगा आपके डॉक्टर स्वाति पीरामल को। इसके बारे में भी हमने देखा था डॉक्टर स्वाति पीरामल के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फ्रांस की यूरोप और विदेशी मामलों की जो मंत्री है जिनका नाम था कैथरीन कोलोना, उन्होंने ये जो पुरस्कार है स्वाति पीरामल, डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान प्रकृति, विज्ञान रिपोर्टर, विज्ञान प्रयोग या फिर प्रगति। देखते हैं इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है और कौन कौन जो है इसका सही आंसर दे पाते हैं। फटाफट लिखते रहे आंसर। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, विज्ञान प्रगति को दिया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इसका जो द्वितीय जो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का जो आयोजन है वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत के अंदर किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित में से किसने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, बजरंग पूनिया, ठीक है। बजरंग पूनिया ने जीता है ये 65 किलोग्राम का जो प्रतियोगिता के अंतर्गत, ठीक है। और इन्होंने 2013 में कांस्य पदक के साथ अपनी शुरुआत की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पांच, और निम्नलिखित में से कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। भारत, US, चीन और रूस। बहुत इजी प्रश्न है इस बार, तो इसलिए मैं पहले इन टॉपिक्स को पढ़ाता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछता हूं भाई।
इसलिए डेली अच्छे से देखते रहे पहले स्टार्टिंग को। तो देखिए पांच प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा आपके ए भारत। इससे पहले कौन था भाई? तो इससे पहले आपका जो है रूस था, चीन था सॉरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने। ई बाल निदान पोर्टल के बारे में कौन सा कथन गलत है? पोर्टल निवारण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाएगा और मामलों के समय पर निपटान में मदद करेगा। पोर्टल में एनसीपीसीआर में पंजीकृत शिकायतों को संबंधित आयोग को स्थानांतरित करने की सुविधा होगी। तो देखते हैं कोड कौन सा सही है, 1, 2, 1 और 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, ई बाल निदान पोर्टल के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वो आपके गलत है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, ठीक है, सभी एकदम सही है। तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन जो है इनमें से कोई भी नहीं, ये सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? ठीक है, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गोवा और हिमाचल प्रदेश। देखते हैं इस बार इसका आंसर कौन सही दे पाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो देखिए भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर होगा आपके बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो साथियों अगर आपको यह आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे सभी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, इसको देखा है, सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपके लिए इसी प्रकार डेली बेसिस पर कंटेंट को समझाया जा रहा है, उसके बाद उसमें से आपके लिए MCQ पुट आउट करके आपको दिए जा रहे हैं। तो हर एक कोशिश के लिए भाई आप सभी हमें जरूर सपोर्ट करें। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लगता है हर एक कंटेंट को वेरीफाई करके आपके सामने रखने हैं तो, और ये डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।